ऐसा ये है, इट्स एक्चुअली नॉट दैट फार बैक, लेकिन मेरे लिए मेरी सेपरेशन के बाद इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप. ऑब्वियसली पैसे बहुत जोड़े थे मुश्किल से, उसी वक्त मैंने अर्न करना शुरू किया था. तो अगेन आई वेंट फॉर द चीपेस्ट एयरलाइन, क्योंकि दुबई जाना था. एक आई नीडेड टू गेट अवे, आई नीडेड अ ब्रेक. तो वही वाली बात कि मैंने कहा ना मैं शॉपिंग करूंगी, ना मेरी बहन का घर वहाँ पे था तो मुझे अकोमोडेशन पे भी, बट आई नीडेड टू गेट अवे फ्रॉम कराची. तो बहुत लिमिटेड पैसे थे मेरे पास, उसका मैंने टिकट लिया चीपेस्ट एयरलाइन, आई एम नॉट गोइंग टू नेम द एयरलाइन. वहाँ से मैंने टिकट लिया, मैं दुबई गई, मैंने थोड़े बहुत जो पैसे थे वो खाने पीने खा पी के ख़त्म कर दिए, क्योंकि आप ऑब्वियसली ये सोच रहे हैं कि आप घर वापस जा रहे हैं, यू डोंट नीड एनी मनी, यू डन. दो घंटे की फ़्लाइट होती है. अच्छा, सुबह मैं उस दिन उठी, शाम की फ़्लाइट थी. ना मैंने सोचा कि अच्छा मैं नर्वस फ्लायर हूँ तो मेरी थोड़ी सी भूख मर भी जाती है फ्लाइट से पहले. तो मैं सुबह उठी, मैंने कहा चलो मैं घर जाऊँगी, इंशाल्लाह दो घंटे की फ़्लाइट है, रात को मम्मी ने कुछ बनाया हुआ होगा, घर जाके खाऊंगी. कुछ नहीं खाया, पैसे भी ख़त्म हो गए थे. जब मैं एयरपोर्ट पहुँची 7 बजे और मैं चेक इन कर रही थी, तो उन्होंने मुझे चेक इन करने दिया, कुछ नहीं बोला. ठीक है. अच्छा, और दुबई का ऑब्वियसली हर जगह का ये रूल होता है कि वंस यू हैव चेक्ड इन आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आप फिर वापस बाहर नहीं निकल सकते. आपको फिर अलग वीज़ा, अगर वीज़ा ऑन अराइवल भी है तो यू विल हैव टू गेट अ न्यू वन. मैं चेक इन करके अंदर चली गई. जब मैं अंदर गई हूँ तो पता चला फ्लाइट डिले है. अच्छा, कितनी डिले है? 2 घंटे डिले. मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 घंटे डिले हो जाएगी. 9 बजे का टेक ऑफ था, वो 11 बजे पर चला गया. अब मैं 11 बजे बैठी हुई हूँ कि अब 11:15 हो गए, अब कॉल आएगी कि बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है. कोई कॉल नहीं, गेट खाली. अच्छा, मैंने फिर नोट करना शुरू किया कि एयरपोर्ट पे लोग बहुत जमा हुए हुए थे. जो अंदर का जो एयरपोर्ट था, उधर सारे गेट्स पे लोग भरे हुए थे, बच्चों के साथ फैमिलीज भरी हुई थी. एयरलाइन का पता चल गया. हाँ. मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और मुझे कोई कॉल भी नहीं आ रही. मैं गेट पे गई, मैंने कहा हो क्या रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल दैट सीम टू बी स्ट्रैंडेड. वो स्ट्रैंडेड लग रहे थे. तो कहना हमारा कोई सिस्टम फेलियर हो गया है और हमारी कोई फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर रही, और एयरपोर्ट पे लोग अब जमा होना शुरू हो गए थे. तो मैंने कहा कब टेक ऑफ करेगी, वी डोंट नो, इट कुड बी 2 आवर्स, इट कुड बी 6 आवर्स, इट कुड बी 24 आवर्स, हमें नहीं पता. मैंने कहा तो मैं तो यहाँ पे नहीं. अच्छा, मेरी बहन वहीं पे दुबई में रहती है, मेरी बहन नहीं थी, मेरी बहनों में मेरे वो नीस थे. तो मैंने कहा अब ठीक है, फिर मैं बाहर निकल जाती हूँ, मुझे कॉल कर दीजिएगा. हाँ, ये तुम कराची एयरपोर्ट? नहीं, दुबई के एयरपोर्ट पे वापस कराची आ रही हूँ. कराची तो अपना है शहर, अपना मुल्क, कोई मसला ही नहीं है. मैं दुबई का चेक इन करके एयरपोर्ट पे हूँ, लोग स्ट्रैंडेड है, फ्लाइट नहीं टेक ऑफ करी, पैसे खत्म हो चुके थे. इफ यू रिमेम्बर, पैसे खत्म हो चुके थे, 1 दिरहम नहीं था मेरे वॉलेट में, और उस वक्त क्रेडिट कार्ड भी नहीं बना हुआ था मेरा, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक का इतना स्टेटमेंट नहीं था कि क्रेडिट कार्ड बनता. मैंने कहा अब क्या होगा, मैं बाहर निकल जाती हूँ. उन्होंने कहा बाहर निकल जाए, लेकिन एंटर होने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, वो आपको उस वक्त 50,000 मेरा खर्च हो रहा था. मैंने कहा 3 घंटे 4 घंटे के लिए मैं 50,000 तो नहीं खर्च कर रही, मैं बैठ जाती हूँ. निदा, मैं उस एयरपोर्ट पे बगैर पानी, बगैर खाने के, क्योंकि सस्ती एयरलाइन थी तो वो खाना वाना पानी कुछ भी नहीं था, पैसा एक नहीं था वहाँ पे रेस्टोरेंट से, आई डेंट हैव अ सिंगल पेनी ऑन मी, नो क्रेडिट कार्ड. 18 घंटे मैं वहाँ भूखी प्यासी बैठी रही. याद है मैं सुबह कभी खाना नहीं खाया था, क्योंकि मैंने रात को जाके खाना था. मैं बाय द टाइम घर पहुंची हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 28 या 29 आवर्स से ज्यादा हो चुके थे भूखे जागते हुए. अल्लाह. और मैं बेहोश होने वाली थी, क्योंकि पता ही नहीं था. और वो एंड मिनट तक भी, जो मेरी 18 घंटे बाद फ्लाइट टेक ऑफ हुई है, तो उस वक्त भी 17.5 घंटे तक मुझे पता नहीं था कि आधे घंटे बाद टेक ऑफ होना है. तो वो मैंने जो 18 घंटे एयरपोर्ट पे गुजारे हैं, आई विल नेवर फॉरगेट. कभी मैं प्रेयर रूम में जाके सो रही हूँ, कभी मैं बाहर लाउंज में आके बैठ रही हूँ, प्रेयर रूम में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा था, वाईफाई. इट वाज वेरी वेरी टफ. उससे फिर मैंने ये एक्सपीरियंस लर्न किया कि भाई कुछ भी हो जाए, आपने 20 या 30 डॉलर क्योंकि डॉलर ऐसी करेंसी है, यू कैन यूज एनीवेयर, वो आपने रखने हैं. आप अपनी शॉपिंग की एक चीज या खाने का एक मील कम कर दें डेस्टिनेशन पे, बट एयरपोर्ट पे यू हैव टू हैव मनी, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन. सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास.